खबरों की सबसे पहले बात एमपी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां डिंडोरी में लोकायुक्त पुलिस टीम ने पंचायत सचिव के घर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई हुई है। तो वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापेमारी हुई है और इस दौरान लोकायुक्त पुलिस को भारी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एमपी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां डिंडौरी में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पंचायत सचिव के घर छापेमारी की है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापेमारी हुई है। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस को भारी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद किया गया है। एक्चुअली हमारे यहाँ मिस्टर रमेश इंगुरानी हैं, ये तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड वन है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टिया पाया गया जो इनकी संपत्तियाँ हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टिया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टिया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है और अभी प्रक्रिया जारी है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। भोपाल में बैरागढ़ में छापेमारी हुई है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एमपी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दौरान डिंडौरी में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पंचायत सचिव के घर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापेमारी हुई है और इस दौरान लोकायुक्त पुलिस को भारी मात्रा में कैश और गोल्ड बरामद हुआ है। तो ये दो तस्वीरें हम देखिए पहले, जहां पर डिंडौरी में पंचायत सचिव के घर छापेमार कार्रवाई की गई है और भोपाल के बैरागढ़ में भी ये कार्रवाई की गई है शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया, साथ ही कृष्णा साहू डिंडौरी से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, शिक्षा विभाग के कर्मचारी के घर छापामार कार्रवाई की गई है, पहले से शिकायतें मिली थी? बिल्कुल, देखिए एसपी लोकायुक्त को इस मामले में शिकायतें मिली थी कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उन पर आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली और यही कारण है कि लोकायुक्त पुलिस ने आज 6 टीमें बनाकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अगर मैं बात करूँ तो उनके घर पर, उनके कार्यालय पर, इसके साथ ही उनके जो बेटे के दफ्तर हैं उन पर भी छापेमार कार्रवाई की गई और अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार अधिक मात्रा में उनके यहाँ से गोल्ड की ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा कई बैंक में खाते होने की जानकारी मिली है। इसके साथ कुछ आवासीय परिसर हो या फिर भूखंड है, इसके भी दस्तावेज मिले हैं और टीम जो है वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी किए हुए और जो परिवारजन है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उनके बेटे के दफ्तर हो या खुद का दफ्तर हो वहां पर भी जो है ये कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से शिकायत उनके खिलाफ की गई थी उससे प्रथम दृष्टया ये सही साबित हो रहा है। जिस तरीके से जो डीएसपी है लोकायुक्त की जिनकी अगुवाई में उनके घर पर जो कार्रवाई चल रही है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ये बात जरूर स्पष्ट हो रही है कि जो शिकायत की गई थी वो लगभग सच साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से क्या संपत्तियां मिल रही है। हालांकि धीरे धीरे कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तब और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इतनी संपत्ति इन्होंने किस तरीके से अर्जित की है और क्या केवल अपने नाम ही संपत्ति कराई, क्या बेटों के नाम या अन्य परिजनों के नाम तो संपत्ति उन्होंने नहीं खरीदी और खरीदी है तो किस तरीके से ये खरीदी है। और इसके साथ ही बैंक लॉकर जो है उनके हैं इस बात की जानकारी भी लगी है, कुछ बैंकों में उनके लॉकर भी, उसको भी खंगालने का काम जो है वो लोकायुक्त की टीम करेगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने गुना अधिक संपत्ति जो है वो उनके द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग में पदस्थ रहते हुए की है। और देखिए कोई पहला मामला नहीं है, मध्य प्रदेश में इस तरह के तमाम तरह के मामले सामने आते रहे कि छोटे छोटे कर्मचारी जो है वो धन कुबेर निकल जाते हैं और उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई पूरी होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उनके पास कितनी संपत्ति अधिक निकली है। जी बिल्कुल। और साथ ही कृष्णा का रुख करते हैं। कृष्णा, डिंडौरी में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, पंचायत सचिव के घर पर क्या कुछ निकला छापेमारी के दौरान?
जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समझ में नहीं आया कि कितना क्या निकल के आया है, लेकिन यहाँ पर जो समनापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के बमनी गांव में या जो लोकायुक्त की टीम ने है इसने छापा मारा है, और करीब 10 सदस्यीय टीम है जो जबलपुर से आई है, और इसके जो है जिनका नेतृत्व कर रहे हैं दिलीप झरवड़े डीएसपी है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, और इन्हीं की अगुवाई में जो 10 सदस्यीय टीम है उन्होंने छापा मारते हुए कार्रवाई जारी है, और लगातार जो लोकायुक्त की टीम है उनको सूचना मिल रही थी कि जो सचिव है जिनका नाम मनोज यादव बताया जा रहा है, जो कि सारंग गांव में पदस्थ है, उन पर बताया जा रहा था कि जो आय से अधिक जो उनकी संपत्ति है, जो उनकी आय है उससे अधिक इनकी संपत्ति है, जिसको लेकर जो लोकायुक्त की टीम है अब इन पर निगरानी रखी हुई है, और आज सुबह तड़के ही इन्होंने छापामार कार्रवाई की है, अभी कार्रवाई लगातार जारी है, कुछ देर के बाद समझ में आएगा कि क्या क्या सामने निकल कर आया है। रेनु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और अब आगे की जांच में दोनों ही टीमें लगातार जुटी हुई हैं। आगे बात करेंगे सागर के देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा और प्रदर्शन, मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, डॉक्टर दीपक दुबे को निलंबित कर दिया गया है, कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने कार्रवाई की है, सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि डॉक्टर ने शासन से मिलने वाली राशि से 10% हिस्सा मांगा था, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने सर्प काटना नहीं दर्शाया था, बल्कि मृतक के परिजनों ने कहा था कि सर्प ने काटा है। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा और पीड़ित की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई तो विधायक ने थाने में धरना दिया था और इस्तीफा दिया था। इस मामले में थाना प्रभारी भी निलंबित हो चुके हैं। तो सागर के देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा और प्रदर्शन, मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, डॉक्टर दीपक दुबे को निलंबित कर दिया गया, कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने कार्रवाई की है, सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है। रायपुर से खबर है जहां पर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे, करीब 200 अभ्यर्थी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, ये अभ्यर्थी लंबे समय से एसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। खबर रायपुर से जहां एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे, करीब 200 अभ्यर्थी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, ये अभ्यर्थी लंबे समय से एसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं, और करीब 200 अभ्यर्थी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, ये अभ्यर्थी लंबे समय से एसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। तो देखिए अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है, और इस दौरान ये पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री के आवास पर, और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने यहां पर गृह मंत्री से मिलने की कोशिश भी की, हालांकि यहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा ना हो। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में। ग्वालियर में मां बेटी की हत्या मामले में हिरासत में पुराना नौकर